नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हैब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा 4 नंबर चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 अपन कर रहे थे। 4.1 और 4.2 हमने कंप्लीट कर ली थी, उसके उदाहरण भी हमने कंप्लीट कर लिए थे, और 4.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में तीसरा, चौथा और पाँचवा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। अगर आपने वो पीछे वाले क्लासें नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे वाले सभी क्लासें आप देख लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करो, और शाम को डेली 4 बजे हमारी क्लास आती है। कंटिन्यू क्लासें चल रही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है। इतने चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी कंटिन्यू क्लास चलती जाएगी, तो जल्द ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद में आपकी डेस्कवर्क आ जाएगी संजीव और एक्सीलेंट की, उसका भी सॉल्यूशन इसी चैनल पे अपन करने वाले हैं, तो चलिएगा। इसके साथ साथ एक सूचना और देना चाहूँगा मैं आपको, अगर आप हमारे टारगेट बेंच 2025 से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से टारगेट हब के नाम से एप्लीकेशन बना हुआ है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये बेंच आप मात्र 51 रुपये मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये सुविधा मिलेगी, ऑल मैथ्स के नोट्स मिलेंगे आपको, और जितनी भी क्लासें हमारी चल रही हैं उनकी, जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनकी PDF बन रही है साथ साथ में, वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगी, और साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको साथ साथ मिलेंगे। और एक बेनिफिट और है, अगर ये कोई सिलेबस हमारा टारगेट बेंच ज्वाइन करता है, परचेज करता है, उसको निःशुल्क डेस्कवर्क भी मिलेगी, लगभग आपको 600 रुपये की भी इसके साथ में निःशुल्क मिल जाएगी। चलेगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या इस प्रकार की आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है। तो शुरू करते हैं किस प्रकार से, यहां पे लिखेंगे हल। माना आम के बगीचे की, बगिया लिखें या बगीचा लिखें एक ही बात होती है बेटा, तो यहां पे लिखेंगे माना आम के बगीचे की लंबाई आपने मान ली x मीटर। माना आम के बगीचे की लंबाई आपने कितनी मान ली, x मीटर है, और लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। पहले आप चौड़ाई मान लो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे माना आम के बगीचे की चौड़ाई, तो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, तब आम के बगीचे की लंबाई क्या हो जाएगी बताओ, लंबाई हो जाएगी दोगुनी, यानी 2x मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आई। हमने चौड़ाई मान ली तो लंबाई उसने क्वेश्चन में दे रखी है कि दोगुनी है। अब यहां से बताएं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लिखेंगे अब आम के बगीचे का क्षेत्रफल, आम के बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो यहां से देखो लंबाई कितनी है, 2x है, और चौड़ाई कितनी है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल्स आपस में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x गुणा x, तो ये बन जाएगा 2x की स्क्वेयर, और ये भी किस में आएगा, मीटर स्क्वेयर में आएगा। आप इसको कह सकते हैं एक नंबर समीकरण, जबकि हमें दिया क्या है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है। लिखेंगे जबकि
दिया है बगीचे का क्षेत्रफल या आम के बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। दो नंबर समीकरण, तो लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से क्या रिजल्ट निकलेगा। देखो ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। इसको थोड़ा छोटा करूं क्या मैं, एक मिनट देखते हैं थोड़ा छोटा हो जाएगा क्या। यहां से इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिखाई भी दे जाएगा आपको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। अब देखो, अब समीकरण एक और दो से यही नीचे लिख देता हूं, जगह मिल गई हमें, तो दो एक्स की स्क्वायर, समीकरण एक और दो से क्या आ जाएगा, दो एक्स की स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 800 के बराबर आ जाएगा। यानी ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों बराबर हो जाएंगे। दो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में एक्स की स्क्वायर बराबर 800 के भाग में लग जाएगा दो, तो ये बन जाएगा एक्स की स्क्वायर बराबर 800 में दो का भाग देंगे तो 400 आएगा। तो यहां पे लिखेंगे एक्स की स्क्वायर बराबर 400, एक्स की स्क्वायर बराबर 400। और इसने बोला है कि यदि संभव हो तो, पहले हमें चेक करना पड़ेगा, वैसे दिखाई दे रहा है सभी को कि 20 का वर्ग 400 होता है, तो एक्स की स्क्वायर यानी यहां से एक्स का मान 20 आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं किस प्रकार से आपको चेक करना है। इसको आप थोड़ा सा सुव्यवस्थित तरीके से बना ले, ये बन जाएगा हमारे पास में एक्स की स्क्वायर माइनस में 400 बराबर 0, ये बन जाएगा। तो लिखेंगे यहां, यहां ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर कितना है, माइनस के 400। सी बराबर कितना है, माइनस के 400 है। तो चेक करते हैं, चेक करेंगे तो ये बन जाएगी लाइन, ऐसे खींच दूं लाइन, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देते हैं। अब देखो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac का मान चेक करेंगे तो 0 का स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू सी का मान माइनस के 400, तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 400 के 1600 इज ग्रेटर देन 0। तो लिखेंगे अतः यहाँ आम का बगीचा या आम की बगिया बनाना संभव है, अतः यहाँ क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया, बी स्क्वेयर का मान, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac का मान, डी का मान डिस्क्रिमिनेट या विविक्त कर बोल सकते हैं इसको, अतः यहाँ आम की बगिया बनाना संभव है। अतः यहाँ आम की बगिया बनाना संभव है, इज दैट क्लियर, संभव है। तो हमें क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। खींचो लाइन, खींच दी लाइन। चलो अब देखते हैं, हमें दे रखा है एक्स की स्क्वायर माइनस में 400 बराबर 0, इधर लेके जाएंगे ये बन जाएगा एक्स की स्क्वायर बराबर प्लस के 400, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो 400 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी एक्स का मान आएगा प्लस माइनस के 20, लेकिन माइनस का कभी हो नहीं सकता, लंबाई कभी माइनस में होगी नहीं। तो लिखेंगे अतः, या यदि लिख दो, ऐसे लिखो यदि, ओनली फॉर प्लस वाला ही लिख दो, आप माइनस वाला क्यों लिख रहे हो, आपको पता है कि लंबाई कभी माइनस में होती नहीं है, तो आप इसको प्लस वाला बना के ही लिखें, ठीक है, माइनस वाला लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट कर दो x इज इक्वल टू 20। तो लिखेंगे यदि
x इज इक्वल टू 20 मीटर हो तो आपने क्या माना था, x क्या माना था, बगीचे की चौड़ाई x, इज दैट क्लियर। x का मान 20 मीटर आ गया तो लंबाई क्या हो जाएगी, x 2x हो जाएगी, तो 2x का मान कितना आ जाएगा, यदि x इज इक्वल टू 20 मीटर है तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 2x बराबर आप निकाल देंगे 2 × 20 हो तो 2x बराबर हो जाएगा 2 × 20 यानी 40 लिख देंगे। अतः बगीचे की लंबाई बराबर 40 मीटर है तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर है। इज दैट क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन को कंप्लीट करना था अच्छे तरीके से। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। और इनकी पीडीएफ जैसे ये पढ़ा रहा हूँ इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ सेव कर लेता हूँ और बाद में जो एप्लीकेशन है टारगेट हब उस पर आपको मिल जाएगी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो, ठीक है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहती और फिर जैसे मैंने समझाया है उस तरीके से पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में दे रखी है, का गुणनफल 48 था, क्या ऐसी कंडीशन संभव हो सकती है, चेक करते हैं। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि उनकी आयु का योग 20 वर्ष दे रखा है, तो एक मित्र की आयु x मान लेंगे, दूसरे की कितनी आ जाएगी 20 माइनस में x वर्ष आ जाएगी, तो हल करते हैं इसका। हल माना पहले मित्र की आयु बराबर आपने मान लिया x वर्ष, कितना मान लिया x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस में x वर्ष, कितनी हो जाएगी 20 माइनस में x वर्ष हो जाएगी। अब 4 वर्ष पूरा, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे यहां पे, प्रश्न के अनुसार क्या कंडीशन दे रखी है हमें, देखो प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूरा, 4 वर्ष पहले की बात करें तो इसमें भी 4 घटाना पड़ेगा और दूसरे मित्र की आयु से भी 4 घटाना पड़ेगा, तो घटा दो तो ये हमारे पास में हो गया x माइनस में 4 और ये आ गया 20 माइनस में x माइनस में 4, ठीक। और उनकी आयु का गुणनफल यानी गुणा कितना था, 48 था, 48 के बराबर हमने लिख दिया। अब ये कितना है, x माइनस में 4 है, 20 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 16 आएगा, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में 16 माइनस में x इज इक्वल टू कितना है 48 है, आपस में मल्टीप्लाई करो इनका, x का 16 के साथ में और फिर x के साथ में, तो ये बन जाएगा 16x माइनस x गुना x, x की स्क्वायर माइनस के 4 का गुणा करेंगे तो माइनस 16 चौके 64 माइनस में माइनस और माइनस प्लस 4 गुना x 4x और ये प्लस का हो जाएगा, देख ये भी माइनस है ये भी माइनस है, बराबर कितना है 48 वर्ष है, बराबर कितना है 48 वर्ष है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा बताओ, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, माइनस के एक्स की स्क्वायर आएगा, प्लस के 4x और प्लस के 16x है, प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के 20x हो जाएंगे, ठीक है माइनस के 64 है, ये प्लस के 48 इधर आके माइनस के 48 बन जाएंगे, तो माइनस के 64 और माइनस के 48 बराबर 0 बचेगा। यहां से देखो माइनस का x की स्क्वायर प्लस में 20x माइनस के है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में 8 × 4 = 12 6 × 4 = 10 = 11 = 0। अब देखो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस या बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस के x की स्क्वायर है ये प्लस का बन जाएगा, अन्यथा अगर माइनस का ही रखते हैं तो भी गलत नहीं है,
अगर आप इसको माइनस रख के सॉल्यूशन इसका करते हैं तो गलत नहीं है, सही माना जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, आपको समझना है यहाँ दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया है। या कई बार टीचर ऐसे भी बोल देते हैं कि माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर, दोनों एक ही बात है बेटा। तो ये बन जाएगा, जो माइनस का था उसको प्लस का कर देना, जो प्लस का है उसको माइनस का कर देना है। तो एक्स की स्क्वेयर माइनस में 20x प्लस में 112 बराबर 0, यानी हमारे पास में ये रिजल्ट बन गया। अब ये द्विघात समीकरण आ गई। अब यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा ये कंडीशन संभव है नहीं है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट डी का मान चेक करते हैं विव्युत्कर का। तो लिखेंगे यहाँ ए का मान कितना है, एक है, बी का मान कितना है, माइनस के 20 है, और सी का मान कितना है, 112 है। यहां पे लाइनिंग करनी पड़ेगी हमें। अब देखो लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस में 4ac का मान चेक करते हैं, बी का मान कितना है हमारे पास में, माइनस के 20 का स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 112। तो ये माइनस के 20 का स्क्वायर प्लस के 400 हो जाएगा, माइनस में 112 गुणा 4 448, और 448 माइनस के हैं प्लस के 400 हैं, तो रिजल्ट कितना आ गया अभी बताओ मेरे को, माइनस के 48 बच गए जो कि लेस देन 0 है। अरे लेस देन 0 आ गया, माइनस के 48 0 से काफ़ी छोटा मान आ गया। क्या यह कंडीशन संभव है, तीसरी कंडीशन आ गई। तो लिखेंगे दी गई स्थिति संभव नहीं है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। अतः दी गई स्थिति क्या है, संभव नहीं है। यानी इस प्रकार से कोई भी ऐसे दो विद्यार्थी या दो कोई मित्र नहीं हो सकते जिनकी आयु का योग तो 20 वर्ष हो और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष हो, ऐसी कोई भी कंडीशन संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक होगा। अगर ये संभव होता तो फिर अपन दोनों मित्रों की आयु निकालते, लेकिन ये बात तो संभव ही नहीं है, इसलिए हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा आपके चैप्टर का भी साथ में, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पारक को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। परिमाप दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है हमें, ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है 400 वर्ग मीटर। तो अपन मानेंगे, माना पारक की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग मान लेंगे। तो चलो लिखते हैं, हल माना पारक की लंबाई आपने मान ली x मीटर तथा पारक की चौड़ाई आपने मान ली y मीटर। पारक की लंबाई आपने x मीटर मानी है और पारक की चौड़ाई आपने y मीटर मानी है, तब पारक का परिमाप क्या हो जाएगा बताओ। परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई है x प्लस में चौड़ाई है y, ये मीटर हो जाएगा। और पारक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x है चौड़ाई y है, और मीटर गुणा मीटर, तो बन जाएगा मीटर स्क्वेयर बन जाएगा। जबकि यहाँ पे लिखेंगे, जबकि दिया क्या है बताओ, दे रखा है पारक का परिमाप दे रखा है बेटा कितना बताओ, पारक का परिमाप दे रखा है आपको 80 मीटर, कितना दे रखा है 80 मीटर, और आपको पारक का क्षेत्रफल दे रखा है 400 वर्ग मीटर, कितना दे रखा है
400 मीटर स्क्वेयर दे रखा है। इज दैट क्लियर? यानी ये परिमाप है, ये इसके बराबर होगा, ये 80 है, ठीक है, कहीं 86 समझ जाओ इसको, 80 है, ठीक है, और ये क्षेत्रफल है, ये इसके बराबर होगा, तो कर सकते हैं दोनों को बराबर। चलो लाइनिंग कर दें, यहां से लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बराबर कर देंगे दोनों को, तो ये बन जाएगा हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 80, x प्लस वाई बराबर 80, समीकरण नंबर एक, और ये बन जाएगा x गुणा y बराबर 400, समीकरण नंबर दो। दो समीकरण बन गई, समीकरण एक से x का मान निकाल के या y का मान निकाल के किसी दूसरी समीकरण में रख देंगे, सेकंड में, तो ये या x का मान निकालेंगे तो y में कन्वर्ट हो जाएगी, और y का मान निकालेंगे तो x में कन्वर्ट हो जाएगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक से x बराबर 80 माइनस में y का मान, का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखेंगे तो क्या रिजल्ट होगा बताओ, x की जगह क्या रखना है आपको, 80 माइनस में y रखना है, और गुणा में क्या चल रहा है, y चल रहा है, बराबर कितना है 400, y का अंदर गुणा कर दो, 80 गुणा y, 80y माइनस में y गुणा y, y का स्क्वायर बराबर 400 है। अपन क्या करते हैं, 400 को इधर ले आते हैं, या इसको दूसरी साइड लेके जाओ, एक ही बात है, माइनस का y की स्क्वायर इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो प्लस के y की स्क्वायर, ये प्लस का 80y इधर 400 की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 80y बन जाएगा, और प्लस के 400 यहाँ पे बैठे ही हैं, बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण बन गई, ये क्या बन गई हमारे पास में, एक द्विघात समीकरण बन गई। और इस द्विघात समीकरण से हमें चेक करना पड़ेगा d का मान, अगर d का मान ग्रेटर देन या इक्वल 0 आता है तो यहाँ पे पारक बनाना संभव होगा, अन्यथा d का मान अगर लेस देन 0 आता है तो पारक बनाना संभव नहीं होगा। तो अपन यहाँ से करते हैं, यहाँ a का मान 1 है, b का मान माइनस के 80 है, और c का मान कितना है अभी 400 है, तो अपन चेक करेंगे बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, बी स्क्वेयर यानी माइनस के 80 का स्क्वेयर, माइनस में 4 × 1 × c का मान है 400, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे लाइनिंग करें, ठीक है, अब देखो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस के 400 के 16, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, का परिमाप क्षेत्रफल, एक परिमाप लंबाई गुणा चौड़ाई, एक गलती कर दी हमने थोड़ी सी, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो यहां पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2 लगाना पड़ेगा, फिर 2 लगाओगे यहाँ पे भी 2 होगा, अरे ये 2 इधर आपने भेज दिया भाग में, ये आपका 2 इधर वाला इसके भाग में चला जाएगा, तो ये 80 नहीं बनेगा, फिर ये 40 बन जाएगा। क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब इसको आपको 40 इक्वल करके लिखना पड़ेगा, बराबर में 40 समीकरण नंबर एक बन गई, यानी ये 2 × में था, इधर हमने 80 की तरफ भेज दिया तो 80/2 बन गया, 80/2 40 होता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जहाँ जहाँ 80 आपने लिखा है वो इरेज कर दो बस, यानी वहाँ पे हमें 40 करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक, यहाँ पे लिखा है हमने, अब लिख दो कितना, कहाँ पे लिखा था 40 माइनस में वाई,
ये बन जाएगा 40 माइनस के वाई, वाई का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 40 वाई, और इसको इधर लेके जाएं तो माइनस के 40 बन जाएंगे, तो बी का मान माइनस के 40 है, तो यहाँ पे माइनस के 40 का वर्ग करेंगे, और माइनस में 40 का वर्ग क्या होता है 1600 प्लस के, और 400 गुणा 4 ये भी 1600 होते हैं, क्या दोनों बराबर आ गए मान। यहाँ से लिखेंगे 1600 माइनस में 1600 और बराबर क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया, तो यहाँ पे पारक बनाना संभव है, तो लिखेंगे अतः पारक बनाना संभव है, अतः पारक बनाना संभव है, और संभव है पारक बनाना, तो हमें पारक की लंबाई और चौड़ाई याद करनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास में बन गया। अब चेक करते हैं अपन, y का स्क्वायर माइनस में 40y माइनस में 40y प्लस में 400 बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा, गुणा करने पे तो हमारे पास में बनना चाहिए 400y की स्क्वायर, जोड़ने और घटाने पे बनना चाहिए माइनस के 40y, तो ऐसी कोई दो संख्याएं लेके आए तो ये बन जाएगा वाई की स्क्वायर माइनस के 20y माइनस के 20y प्लस के 400 बराबर जीरो है, फर्स्ट दो से और सेकंड दो से, तो ये क्या बनेगा, वाई कॉमन आएगा, तो वाई माइनस में 20 बनेगा, माइनस के 20 कॉमन आएगा तो वाई माइनस में 20 बनेगा इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वाई माइनस में 20 और ये भी वाई माइनस में 20 बराबर जीरो, ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब इसको बराबर जीरो करेंगे, इसको बराबर जीरो करेंगे, दोनों बराबर ही आएंगे y के मान, तो यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर, या ऐसे कर दो y माइनस में 20 बराबर जीरो करेंगे तो y का रिजल्ट कितना आएगा, y का रिजल्ट आएगा 20 मीटर, आपने मीटर में माना तो मीटर आ गया, किलोमीटर है तो किलोमीटर है, सेंटीमीटर है तो मीटर है, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, आपने मीटर में माना तो मीटर आ गया, तो y का मान कितना आ गया, y आपने क्या माना था, पारक की चौड़ाई, तो पारक की लंबाई कितनी आएगी, लिखेंगे यदि y बराबर 20 मीटर हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये रहा x बराबर 40 माइनस में y, 40 माइनस में 20, 40 माइनस में 20 यानी 20 मीटर आएगा, यानी पार्क की लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है, इसका मतलब पार्क वर्गाकार है, तो लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर बराबर 20 मीटर व चौड़ाई बराबर 20 मीटर होगी, यानी पारक क्या है, यहाँ से वर्गाकार है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था अच्छे तरीके से, अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, विद एग्जाम्पल हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझा है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा डाउट है या समझ में कम आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप कम से कम ध्यान से एक ही बार वीडियो देख लेते हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। डेली क्लास आती है शाम को 4 बजे, चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ, जय हिंद जय भारत।